तो दोस्तों, एक रात और एक दिन चित्तौड़गढ़ में निकालने के बाद बहुत ही अच्छा जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो अपन ने देखा और आप लोगों को भी दिखाया। और पीयूष भैया, आपको कैसा लगा वो किला? बहुत बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत मजे भी आए हमको चित्तौड़गढ़ में, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आनंद लिया, बच्चों ने भी बहुत आनंद लिया। शाम को इधर सांवलिया सेठ भी, हाँ सांवलिया सेठ का टेम्पल भी है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से 50 किलोमीटर दूर, और बहुत ही प्यारा टेम्पल है, उसका व्लॉग भी आपने देख लिया होगा। तो अब चलते हैं एक दिन और एक नाइट निकालने के लिए अपन उदयपुर में, और हमारी बस तैयार है, बच्चे भी अंदर बैठ गए हैं, चाय पीते हैं और चलते हैं, निकलते हैं। लेट्स गेट गोइंग। आ जाओ बच्चों, फटाफट आओ। अभी टावल लाया क्या कोई? नाले की लाया, लाए टावल से नहा सकते हो। अब देखिए सर, हो गया सर, पूरा ग्रुप और स्टाफ सब हो गए। अब प्लीज साइलेंट सुनना आप, ये वाला जो फाउंटेन है यहाँ का सेकंड नंबर का फाउंटेन है, और ये वाला जो फाउंटेन है स्पेशल इसको डिजाइन किया हुआ है समर सीजन के लिए, गर्मी के टाइम के लिए इसको पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो पहले क्या होता था, रानी जब अंदर एंटर होती थी तो गेट बंद हो जाते थे, और पूरे फाउंटेन को कवर्ड कर रखा है वॉल से, चारों तरफ दीवारें, देखो आप ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि बाहर से कोई देख ना पाए, रानियों की सेफ्टी के लिए ऐसा होता था। बीच में जो ये बना हुआ है, रानियों के लिए 300 साल पुराना स्विमिंग पूल था, रानियां इसको स्विमिंग पूल की तरह यूज करती थी 300 साल पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बीच में जो ये छतरी बना हुआ है ना, इस छतरी के चारों तरफ बने हुए 8 पिलर बने हुए, तो इन 8 पिलर के अंदर से होल करके और कॉपर का पाइप कनेक्शन दे रखा है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद पूरा अम्ब्रेला का बना हुआ है, वहाँ पर 2 पत्थर के से लेयर बनी हुई है, उसमें से पानी गिर रहा है। तो गर्मी के टाइम में क्या होता था, रानियाँ बीच में बैठी थी, गर्मी के टाइम में रानियाँ बीच में बैठी थी और चारों तरफ से पानी गिरता था, अम्ब्रेला से गिरता है ना चारों तरफ से, बारिश के टाइम में वैसे चारों तरफ से पानी गिरता था गर्मी के टाइम में। और गर्मी के टाइम में क्या होते हैं, बादल भी होते हैं, तेज धूप होती है, तो रानियाँ जब अंदर बैठती थी तो रानियों को ठंडा फील होता था, और चारों तरफ से पानी गिरता था तो रानियों को ऐसा लगता था जैसे बरसात हो रही हो, बिना बादलों की बरसात हो रही हो, इसीलिए पूरे फाउंटेन का नाम किया बिन बादल बरसात, रेन विदाउट क्लाउड, यानी कि बिना मौसम के भी जो बरसात वाला फीलिंग करवाता है ये वो वाला फाउंटेन है बिन बादल बरसात। अभी भी आपको साउंड वगैरह ऐसा लगेगा जैसे बरसात के टाइम में फील होता है, जैसा साउंड आपको लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्नर पर 4 छतरियाँ बनी हुई है, ये सारी ग्रेनाइट की बनी हुई है, और ग्रेनाइट की छतरियाँ बहुत कम जगह होती है, इसका रीज़न क्या है, ग्रेनाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कार्विंग करना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी आप देख सकते हो कितना बारीकी से इसमें कार्विंग किया गया है, बहुत बारीकी से कार्विंग किया गया है। और ऊपर की तरफ जो बर्ड बना हुआ है ना मैडम, ये बर्ड भी एक फाउंटेन का काम करता है, गोल गोल घूमता है, रोटेट होता है, और पिछले नीचे पानी निकलता है। अभी क्या है मैडम, ज़्यादा यूज में आने से टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा यूज़ में आने से पूरा वाइट वाइट हो गया है, इसीलिए इसको बंद कर दिया है। बाकी हमारे यहाँ पे 2 दिन का मेला लगता है उदयपुर में, लोकल हरियाली अमावस्या, आपके भी लगता ही होगा वहाँ पर, तो 2 दिन का मेला लगता है, फ्री होता है यहाँ पर, तो आज भी इसको चलाते हैं, आज भी ये काम करता है, पर 2 दिन ही चलाते हैं इसको। पहला दिन जो मेला लगता है वो पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, सेकेंड डे ओनली फॉर लेडीज़ के लिए होता है आज भी। और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे एक तो फुल बने अंगारे रजनीकांत और रेखा, ये मैंने की गाइड मूवी है, उसका गाना शूट है, मेरा साया वो गाना शूट है। अब बहुत सारे बच्चों ने तो ये पिक्चर देखी भी नहीं होगी, जन्म भी नहीं हुआ होगा बहुत सारे बच्चों का, पर टीचर्स में से काफ़ी जनों ने देखी होगी, तो आपकी जनरेशन की नई पिक्चर बता देते हैं, गोविंदा और करिश्मा कपूर का एक गाना है ना, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम्हें खुद को मालूम नहीं है, वो गाने का शूटिंग ये वाली चित्री पे हुआ है। उसके अलावा धड़क मूवी श्रीदेवी की बेटी की है ना, वो गाने का यहाँ पे हुआ, हिना खान का शो आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसका एक गाना यहाँ पे शूट हुआ है, तो ये शूटिंग के लिए भी काफ़ी फेमस जगह है। और सामने की तरफ जो बिल्डिंग बना हुआ है ये उस ज़माने में रानियों के रेस्ट करने के लिए होता था, रानियाँ यहाँ पर इन्जॉयमेंट तो करती थी और साथ में रानियों को रेस्ट करना होता था, तो यहाँ पर रेस्ट करती थी, और जब वो सिटी पैलेस यानी कि राजमहल में जब जाती थी तो
यहाँ से श्रृंगार वगैरह करके फिर वो जाते थे राजमहल। ठीक है सर, तो ये यहाँ का सेकंड नंबर का फाउंटेन है। अब अपन आगे चलेंगे थर्ड नंबर फाउंटेन से। आ जाओ, आवाज भी सही है, कल वाले से ज्यादा बेटर है। Wow, it's so good. Mind blowing. बहुत ही अच्छा यार, यह है सहेलियों की बाड़ी। जो कि खास महारानी और उसकी सहेलियों के लिए बनवाया गया था। सो ब्यूटीफुल। अब देखिए ये वाला जो फाउंटेन है, इस वाले फाउंटेन का नाम है रासलीला। तो रासलीला का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से बना है रासलीला। तो रासलीला का मतलब होता है म्यूजिक एंड डांस। रासलीला मतलब म्यूजिक एंड डांस। तो इस पूरे फाउंटेन का नाम क्या है? रासलीला फाउंटेन। तो पूरा गार्डन किसके लिए बना हुआ है? रानियों के लिए बना हुआ था। बट कुछ ओकेजन ऐसे होते थे तो रानियां राजा को भी इनवाइट करती थी कुछ ओकेजन पर, जैसे बर्थडे वगैरह हुआ या राजस्थान के लोकल फेस्टिवल होते तीज गंगोर, ऐसे कुछ ओकेजन के ऊपर राजा को इनवाइट करती थी रानियां। बाकी अदरवाइज राजा यहां पर रेगुलर नहीं आते थे, पूरा रानियों के लिए ही था ये। बट राजा जब आते थे तो पीछे की तरफ एक झरोखा बना हुआ है, यहां पर राजा बैठते थे और पास वाले झरोखे में बैठती थी रानियां। और उस ज़माने में मोबाइल और टीवी चलते नहीं थे, तो राजा रानी जब भी यहाँ पर आते थे तो उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए उनकी दासियाँ इस फाउंटेन के यहाँ पर डांस करती थी और राजा रानी वहाँ से सब कुछ बैठ के देखते थे। इसी रीजन से इस पूरे फाउंटेन का नाम क्या पड़ा? दिन बादल सॉरी रासलीला। ठीक है, रासलीला इस पूरे फाउंटेन का नाम है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसका उपयोग ये है कि यहाँ पर रानियाँ रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज़ होती थी, यानी कि रानियों के जो रिलेटिव होते थे, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर फाग उत्सव को सेलिब्रेट करती थी। फाग उत्सव का मतलब क्या होता है? कलर फेस्टिवल। होली, होली का जो फेस्टिवल है वो रानियाँ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी। और ये पूरा सेलिब्रेशन के लिए बना हुआ पूरा फाउंटेन, इसी रीजन से इसका नाम क्या पड़ा? रासलीला। समझ में आया बच्चों? पीछे की तरफ जो झरोखा बना हुआ है वहाँ पर आमिर खान और जूही चावला की मूवी है घूंघट की आड़ में दिल भर का गाना है ना, वो थोड़ा यहाँ पे शूट हुआ है। सिटी पैलेस हुआ है, सज्जनगढ़ हुआ है, पूरा उदयपुर का शूट है। तो यहाँ पर भी वो शूट हुआ है थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, बाकी टोटल तीन जगह शूट हुआ है पूरा गाना। हाँ, गेट पर ले लेंगे सर, बढ़िया आएगा। वास्तव में दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे आते हो तो ये सावन भादो फाउंटेन है और बड़ा ही प्यारा फाउंटेन है। यहाँ पर सच में बिन बारिश के एकदम ऐसा लगता है, जब आप पेड़ के जो नीचे खड़े होते हो, जैसे गाइड साहब ने बताया कान करके, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एकदम बारिश का मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ये सहेलियों की बाड़ी में है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। अरे इधर क्या इनको क्या पता है 100 साल पुराना है। जैसे दादा ने पापा दादा से सुनते हैं, दादा परदादा से सुनते हैं, इसी तरीके से दादा थे क्या उस टाइम पे? हमारे दादा तो थे ही नहीं, मेरे दादा खुद ही 80 साल पुराने। ये है आलिया, इसने सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट खा लिया। ये है ऑफिशियल नंदिनी देवड़ा। ये छुटकू, ये
मेंढक वाला फूल लाया है, पता नहीं है मेंढक इसके ऊपर रहते थे। गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स आ जाओ राइट साइड में, बॉयज आ जाओ लेफ्ट साइड में, आ जाओ उधर, बाकी स्टाफ यहीं खड़े हो जाए। लेफ्ट साइड में आ जाओ बॉयज, गर्ल्स आ जाओ राइट साइड में। राइट राइट पीछे जाओ बेटा, गार्डन में और पीछे जाओ, बहुत सारा स्पेस है, पीछे जाओ, पीछे जाओ। बॉयज इधर आ जाओ, गर्ल्स उधर चले जाए और स्टाफ यहाँ खड़े हो जाए। हर पेड़ की एज होती है, खाली बरगद के जो पेड़ होते हैं ना वो ज्यादा चलते हैं, बाकी इतने पेड़ चलते नहीं हर पेड़ की। आगे सर पूरा ग्रुप हो गया अपना, ये भी अपना ही है क्या? नहीं, अब सुनिए बेटा ध्यान से सुनिए आप, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट फाउंटेन है, इस फाउंटेन का नाम है कमल तलाई लोटस फोन, क्या नाम है इसका? कमल तलाई। पहले यहाँ पर कमल के ही प्लांट होते थे, बट बाद में क्या हुआ, कमल के प्लांट में प्रॉब्लम ये रहता है जब उनका सीजन नहीं होता है तो पूरा ये एम्प्टी हो जाता है, यानी खाली हो जाता है, इसीलिए उनको रिप्लेस कर दिया। और अभी कमल की ही प्रजाति का एक और प्लांट होता है वाटर लिली, कुमोदनी बोलते हैं, यह वाटर लिली का प्लांट है, वाइट कलर का इसका फ्लावर आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, आप चार एलिफेंट बने हुए हैं, ऐसे घूम जाओ, चार एलिफेंट बने हुए हैं। अब ये चार एलिफेंट चार डायरेक्शन में बने हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। कंपास से चेक करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि एलिफेंट जो है ना ये सिंगल स्टोन है, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, बिना जॉइंट के सिंगल पीस मार्बल बना हुआ है ये। अब आप देखो सबसे जरूरी चीज, हाथी के सूंड को पूरे राउंड शेप में दे रखा है, और राउंड शेप में देने के बावजूद इसमें से होल करके फाउंटेन का कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये सिंगल स्टोन मार्बल है ना। फतेह सागर लेक जब ओवरफ्लो होता है तो उसके पानी का प्रेशर शहर के फेस तक जाता है, यानी फतेह सागर लेक भर जाता है और पानी जब बाहर निकलता है ना तो उसके पानी का प्रेशर कहाँ तक जाता है, शहर के फेस तक। और झील के अंदर अगर पानी कम होता है तो उसके पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है। सामने की तरफ ऊपर बिल्डिंग जो बना हुआ है, जरोखा जो बना हुआ है, वो रानियों के बैठने के लिए बना हुआ है, और रानियों को एंटरटेनमेंट करने के लिए उनकी दासियाँ यहाँ पर, जो राजस्थान के अपने लोकल डांस होते हैं घूमर भवई, देखा होगा आप सबने भवई देखा है डांस, घूमर डांस और भवई डांस। भवई डांस में क्या होता है, पांच छह मटके जमा के ऊपर डांस करती है लेडीज, तो वो सारे डांस यहाँ पर किए जाते थे और रानी वहाँ से सब कुछ बैठ के देखती थी, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल और टीवी होते नहीं थे, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सारे साधन होते थे उस ज़माने में। आइए सर, अरे यार सर पान का पत्ता चला गया, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. क्या बढ़िया जगह है यार। हेलो सर। हेलो, वीडियो इधर इधर इधर
यहाँ पर ले लेंगे इधर 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 जल्दी फोटो खींचने आए हो बेटा या देखने आए हो ये बता दो खाली देखने फिर आप लोग फोटो में लगे हुए अब देखो बेटा फोटो क्लिक करोगे तो फिर आप वो चीज़ें देख नहीं पाओगे है ना फोटो भी क्लिक करना है लिमिटेड है ना अब देखिए ये वाला जो फाउंटेन है इस फाउंटेन का नाम क्या है आपने बाहर पढ़ा होगा कितना बच्चों ने पढ़ा है बाहर सावन भादो है ना तो सावन भादो का मतलब क्या होता है हिंदी मंथ होता है सावन भादो सबसे ज़्यादा बरसात सावन भादो में आती है जून जुलाई है ना तो सबसे ज़्यादा बरसात सावन भादो में आती है तो राजा के रानियाँ कितनी थी 7 और उनके राजकुमारी कितनी हुई 1 डॉटर उनकी एक ही हुई बाकी सब क्या हुए राजकुमार हुए ठीक है तो एक ही डॉटर थी एक ही राजकुमारी थी तो राजा की बहुत लाली थी वो राजा उसकी हर फरमाइश को पूरा करते थे अब राजकुमारी को क्या है बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था बारिश बहुत अच्छी लगती थी अब राजा मौसम को तो नहीं बदल सकते थे उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए तो राजा ने ये फाउंटेन ऐसा बनवाया कि राजकुमारी यहाँ पर विंटर में आए चाहे समर सीज़न में आए किसी भी सीज़न में यहाँ पर आए तो उसको नेचुरल तरीके से बारिश वाला फीलिंग आए ये पूरा फाउंटेन ऐसा बनवाया आपको एक एक्टिविटी करना है दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है ठीक है दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है देन कान के यहाँ पे आगे से ऐसे लगाना है इसको और इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाना जैसे जैसे जगह मिले वहाँ खड़े हो जाना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बरसात का मौसम हो पूरा पेड़ के अंदर खड़े हो जाओ तो पीयूष भैया क्या क्या फील हुआ आपको सर अमेजिंग सर चमत्कार हो गया सर चमत्कार बिन मारे बरसात हो रही है बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस इज जस्ट लाइक दैट क्या सच में फील हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर क्या क्या अच्छा लग रहा है बारिश नेचुरल बारिश की आवाज लग रही है सर पीस पीसफुल लग रहा है एकदम ये आवाज शांति सी मिली शांति ऐसा लग रहा है बस इधर ही हाँ सच में फील हो रहा है यस सर यस कान बंद नहीं करना था डियर ऐसे ही करना था बंद नहीं किया हाँ क्या सच में आ रही है फील आ रही है यस किसकी आ रही है बारिश किसकी आ रही है ये देखो फोटोग्राफी करती है हमारी चुटकी ज़्यादा टाइम तक नहीं बचा सकते तो यहाँ पर क्या है कोई पेड़ गिर भी जाएगा ना तो उसकी जगह वही वाला प्लांट वापस लगाएंगे ताकि इसका पूरा डेकोरम बना रहे ठीक है पूरा फाउंटेन है और बड़ा ही प्यारा फाउंटेन है यहाँ पर सच में बिन बारिश के एकदम ऐसा लगता है जब आप पेड़ के जो नीचे खड़े होते हो जैसे गाइड साहब ने बताया कान करके तो आप आराम से क्या कर सकते हो एकदम बारिश का मज़ा ले सकते हो तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये सहेलियों की बाड़ी में है दोस्तों फिर आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट आ जाओ पहले तो तो गाइस ये बहुत ही सुंदर जगह है इतनी सुंदर जगह चार डालेंगे अरे नहीं नहीं 1000 फोटो का चार नहीं डालेंगे इतनी सुंदर जगह है बहुत 1000 फोटो खींच लीजिए हां चित्तौड़गढ़ में भी घूमी सबसे ज्यादा अच्छी जगह ये लेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है ये देखिए सर किले बोल रहे ये गर्ल्स देखो इनका ध्यान है ना सुंदरता देखने में नहीं है मोबाइल की फोटो में सेल्फी देखने में सेल्फी बस में बैठ के देख लेना अभी सेल्फी लेनी पड़ेगी तो ही तो देखेंगे ना नहीं बोल रही ये मोटर किसी और चीज के लिए नहीं ऐसे गाइड से पूछो ना आप गाइड कहाँ गया आपको पकड़ गाइड इनसे पूछा कि मोटर किस चीज की लगी हुई वापस नहीं आ गया आ रहे हैं सर आ रहे हैं
गाइड साहब हमारा बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वहाँ पे मोटर लगी हुई है। मोटर तो रात को जब पानी भर जाता है ना तो खाली करना पड़ता है, तो बाल्टी बाल्टी तो खाली कर नहीं सकते हैं क्योंकि अगले दिन टूरिस्ट आ जाते हैं, तो पानी निकालने के लिए राजाओं के टाइम में रानियां मार रानियां तो महीने में दो बार तीन बार ऐसे आती थी, पर टूरिस्ट तो रोज आ रहे हैं हम, है ना। तो सर अब बच्चों को लेकर चले और ड्राइवर साहब को बोल देना कि फॉलो करें, मैं मेरी बाइक ले लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी आधा किलोमीटर से भी कम। तो बच्चों को सबको लेके चलते हैं, पैदल चलते फिर पैदल, हाँ तो बच्चे टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों का, 200-300 मीटर है, बच्चों को बिठा देते हैं गाड़ी में, आधा किलोमीटर से भी कम। तो अभी चलते हैं, ये थी सहेलियों की बाड़ी और उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पे। तो सर आपको कैसा लगा? आई फील वेरी बेटर। ओके ओके ओके। एंड देयर इज वेरी पीसफुल नेचर एनवायरनमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी पीसफुल हियर। जैसे कहते हैं ना मन की शांति मिल रही है यहाँ पर। दोस्तों ये स्कूल हमें रोज मिलती है 250 बच्चों के साथ। तो सर आपको कैसा लगा फिर से देख कर एक बार? और अच्छा फील हुआ, मन को शांति मिली, इस स्कूल को वापस देख कर हमें ऐसा लगा सेक्रेटरी फॉलो मी। सेक्रेटरी फॉलो मी। Thank you.